Hello and welcome students to the second day of English session of Standard 6. Part 1. We'll start with the lesson 1.2. Who's the greatest? Okay. Before that, general instructions. Open your textbook to page number 2. Take a pencil in your hand so that you can mark hard words and write the meanings. Okay. So we'll start with the chapter 1.2. Who's the greatest? In this chapter, we'll get to know about Akbar and Birbal. Akbar and Birbal stories, ye chapter mein humko di hui. Okay, we'll start. I'll start reading and then I will explain. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world. Not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being, he cared for his subjects. अब आपने अकबर एम्परर का तो नाम सुना होगा, करेक्ट? तो जो अकबर एम्परर थे, वो उनके टाइम के one of the greatest rulers थे पूरे वर्ल्ड में. क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा था, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत वेल्थ थी, इसलिए नहीं उनके पास बड़े-बड़े उनके बड़े बड़े बंगले थे, इसलिए नहीं. उनका रीजन ये था कि ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, वो बहुत अच्छे इंसान थे और केयर फॉर हर सब्जेक्ट. केयर फॉर हर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स अपने सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश, मराठी नहीं. यहाँ सब्जेक्ट का मीनिंग होता है उनके जो राज्य के लोग थे, उनके जो एम्पायर के लोग थे, वो लोगों के लिए वो केयर करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे. इसीलिए वो जो राजा थे अकबर, वो बहुत अच्छे राजा थे उनके टाइम के. He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. He was a patron and art, patron of art and culture. Underline the word patron of art and culture. Patron of art and culture का meaning है a person who appreciates, supports and encourages art and culture. Note it down in your book. A person who appreciates, supports and encourages art and culture. Means वो ऐसे थे अकबर, एम्परर अकबर, की वो आर्ट एंड कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करते थे. जो लोग आर्ट एंड कल्चर करते थे, वो कोई भी रिलीजन के हो, उनको वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते थे. द नाइन जेम्स और नवरत्न्स इन हिज कोर्ट वर फेमस. मेनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दीज नाइन जेम्स बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट. अकबर लव्ड टू पोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट. And Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. अब आप सबने सुना होगा कि अकबर का जो कोर्ट था, उनका जो एम्पायर था, उसमें उनके पास नाइन ज्वेल्स थे, नौ रत्न, नाइन ज्वेल्स थे. तो उसमें से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट उनसे कौन थे? बीरबल थे. बीरबल उनके एम्पायर के मिनिस्टर भी थे. मिनिस्टर इसलिए थे कि अकबर को जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी या उनको कुछ भी चीज का सलाह या सजेशन चाहिए रहता था, तो वो हमेशा बीरबल के पास जाते थे और बीरबल उनको हमेशा उनके प्रॉब्लम्स के सलूशन देते थे और सजेशंस देते थे. और अकबर लव टू पोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. उनकी जो सभा, जब उन लोग की सभा बैठती थी, तो अकबर को हमेशा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पुट करने की आदत थी. उनको बहुत अच्छा लगता था एकदम इंटरेस्टिंग अलग टाइप के क्वेश्चंस रखने के लिए, और वो क्वेश्चंस का आंसर हमेशा बीरबल वेरी इंटरेस्टिंगली उसके आंसर्स देते थे. वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वर हियर टुडे हैव अ बेसिक इन द हिस्ट्री. दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशंस मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ. हियर आर टू ऑफ देम. मींस हमको नहीं मालूम कि ये जो अकबर बीरबल की स्टोरीज है, इनका कुछ हिस्ट्री या कुछ बेस है क्या, लेकिन ये हमने सिर्फ
वर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ मीन्स माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन में सुना है. माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन कैसा, मतलब अपने जो पूर्वज थे आपके दादाजी, दादाजी के दादाजी, तो उनके थ्रू वो स्टोरीज जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है. जैसे आपके जो पर दादाजी होंगे उन्होंने आपके दादाजी को बताया, दादाजी ने आपके पापा को बताया, पापा ने आपको, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वो सिर्फ माउथ टू माउथ हमको मालूम पड़ी है, लेकिन वी डोंट नो कि इसका कोई हिस्ट्री या कोई बैकग्राउंड है क्या. वन डे द एम्परर, तो अकबर और बीरबल की ऐसी दो स्टोरीज हमको ये लेसन में दी हुई गई है. तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment of someone who pulls my mustache? तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें क्या बताया कि वन डे द एम्परर एंटर द कोर्ट. जो एम्परर है, एम्परर अकबर, वो उनकी कोर्ट में एंटर होते हैं और उनके राज्य के जितने उनके मिनिस्टर्स और वो सब वहां बैठे होते. तो अकबर के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ अजीब होते, सीरियस एक्सप्रेशन, एकदम सीरियसली वहां के बैठते. और बैठने के बाद वो उनके पूरे सभा के जो मेंबर्स है, उनके कोर्ट के जो मेंबर्स है, उनसे क्वेश्चन करते कि उस इंसान को क्या पनिशमेंट देने चाहिए. हु पुल्स माय मुस्टैच, मुस्टैच मींस उनकी मूछे, मुस्टैच मूछे को मुस्टैच बोलते हैं. तो अकबर उनके कोर्ट में पूछते कि उस इंसान को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए जो मेरी मूछे खींचे. द कोर्ट वॉज स्टंड, द कोर्ट वॉज स्टंड, स्टंड मींस शॉक्ड. जो कोर्ट के मेंबर्स थे वो एकदम शॉक्ड हो गए. क्यों? पुल द एम्परर्स मुस्टैच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ. मीन्स वो जितने कोर्ट के मेंबर्स थे उनको थोड़ा सा शॉक लगा कि किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो जाके एम्परर के, राजा के मूछे खींचे. ये तो बहुत गलत बात है कि किसी ने जाके उनकी मूछों को हाथ लगाया, किसने इतनी हिम्मत की है. फ्लॉग हिम, अंडरलाइन द वर्ड फ्लॉग. फ्लॉग मीन्स बीट समवन हार्ड, स्पेशली विद द विप. विप मतलब कोड़ा, वो कोड़े आते थे ना वैसे. Beat someone hard, specially with a whip. Fog him, give him 50 lashes of the whip, exclaimed one noble man. So, जितने वहाँ कोर्ट में मेंबर्स थे ना वो सब गुस्से में आ गए और सब अलग अलग सजेशन देने लगे कि जिन्होंने भी आपकी मूछे खींची उनके साथ क्या करना चाहिए. तो एक क्या बोलता है उसमें से कि जिन्होंने भी आपकी मूछे खींची है उसको बहुत मारना चाहिए. बीट समवन हार्ड स्पेशली मीन्स उसको कोड़े मारना चाहिए, 50 कोड़े मारना चाहिए, एक नोबल मैन ने वहां से बोला. सेकेंड, दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर. दूसरे वाले क्या बोलते कि ये इनफ नहीं है, आपने क्या करना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए विदाउट फूड वाटर, बिना खाना पानी के उनको जेल में बंद कर दो. विप हिम, बीट हिम, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. Agitated, underline the word agitated. Agitated means disturbed. Agitated means disturbed. D-I-S-T-U-R-B-E-D. Agitated means disturbed. मीन्स जितने वहां कोटियास थे ना सब अलग अलग सजेशन देने लगे. वीप हिम, उसको मारो, कोड़े मारो, उसको मारो, हैंग कर दो, फांसी दे दो, उसके जो हैंड्स है वो कट कर दो. बट ओनली बीरबल, बीरबल एकदम साइलेंटली वहां बैठे थे और वो थोड़े सा स्माइल कर रहे थे, बैठ के एकदम साइलेंटली बैठ के स्माइल कर रहे थे. व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज योर ओपिनियन. अब जो राजा थे, राजा अकबर, उन्होंने बीरबल से पूछा कि आपका सजेशन क्या है इस पे, आप क्यों इतने साइलेंट बैठे हो, आपका सजेशन दो. इन माय ओपिनियन, और गिव अ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स. अब बीरबल के साइड से तो कुछ अलग ही सजेशन आया. बीरबल ने क्या बोला कि आप जिसने भी आपकी मूछें खींची है उसको आपने उसका फेवरेट स्वीट देना चाहिए, उसकी फेवरेट मिठाई देना चाहिए.
मीन्स जिससे भी आपकी मूछें खींचने की हिम्मत की है उसको आप उसकी फेवरेट स्वीट या मिठाई या जो भी उसको पसंद है स्वीट में वो दो। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव स्वीट मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द कोर्टियर्स बिगन टू से। अब वो जितने कोर्टियर्स थे, जितने मेंबर्स थे, वो एकदम गुस्से में बोलने लगे कि राजा बीरबल कि आर यू सीरियस, आप सीरियस हो कि जिसने राजा की मूछें खींचने की हिम्मत की है उसको मिठाई देना चाहिए? उसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि राजा की मूछें खींची और उनको आप बोल रहे हो कि मिठाई दो, आपका आप आउट ऑफ माइंड हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा है। ऐसे सब कोर्टियर्स बीरबल को बोलने लगे। बीरबल स्माइल, बीरबल ने सिर्फ एक हल्का सा स्माइल दिया एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, और उसने जो उसका सजेशन था, सोल्यूशन था, उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ऑफर किया। वो एक्सप्लेनेशन क्या था देखो। यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच, ओनली हिज ओन ग्रैंडसन। मींस कौन इतना बोल्ड होगा, किसमें इतनी ताकत होगी कि वो एम्परर के, राजा अकबर के आके मूछें खींचे? कोई नहीं हो सकता। सिर्फ कौन हो सकता? ओनली हिज ग्रैंड सन, मीन्स उसका जो ग्रैंड सन है वही इतनी हिम्मत कर सकता कि वो आके अपने दादाजी की मूछें खींचे। एक एग्जांपल, अगर आपके दादाजी कितने भी बड़े हो, कोई बड़े मंत्री हो या कोई बड़े पोस्ट पर हो, लेकिन आपको इतना राइट होता है क्योंकि आप उनके ग्रैंड सन हो, आप उनके दादाजी के गोद में जाके बैठ सकते हो, उनकी मूछें खींच सकते हो। तो सेम वो इतना बड़े राजा थे, राजा अकबर, लेकिन उनके जो ग्रैंड सन थे उनको वो पूरा राइट था कि वो जाके उनके गोद में बैठे, उनके दादाजी की मूछें खींचे। तो ये क्लेरिफिकेशन, ये एक्सप्लेनेशन बीरबल ने उनके सजेशन के लिए दिया। व्हेन अकबर हर्ड दिस ही बर्स्ट आउट लाफिंग बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग। जब अकबर ने ये चीज सुनी, जब अकबर ने एक्सप्लेनेशन सुना बीरबल का, वो एकदम बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, मीन्स बहुत खुशी से हंसने लगे क्योंकि दैट वॉज एग्जैक्टली वो चीज, सेम चीज उनके साथ मॉर्निंग में हुई थी। मतलब उनकी मूछें किसने खींची थी? उनके ग्रैंड सन ने खींची थी। ओके, सो अंडरस्टूड दिस स्टोरी? दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। हियर वी विल एंड विद द फर्स्ट स्टोरी एंड फॉर द नेक्स्ट स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन पार्ट टू। ओके, टुडे आई गिव यू वन होमवर्क। होमवर्क ये है आपका, आपको ये फाइंड आउट करना है हु वर द नाइन जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में नाइन जेम्स थे, नवरत्न थे, करेक्ट? तो आपको मुझे फाइंड आउट करके आपके आंसर मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करने हैं कि हु वर द नाइन जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। उसमें से टू मैंने आपको बताई हूँ, वन वॉज तानसेन जो सिंगर थे उनकी कोर्ट के, एंड सेकेंड वॉज बीरबल जो मिनिस्टर थे उनके। तो टू मैंने आपको बताई हूँ, बाकी के आपको फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू पोस्ट द आंसर। ओके, गुड लक, थैंक यू।